पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पाली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में हुई जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर राजस्थान में 3 माह के भीतर ही सभी विकास कार्यों को ठप्प करने का आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोला। विवेकानंद सर्किल पर जनसभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि केवल 3 माह के भीतर लेबर कार्ड से लेकर बिजली बंदोबस्त चौपट हो चुकी है, तो दूसरी ओर भामाशाह कार्डधारियों को अब उपचार के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी के साथ साथ किसानों के साथ छलावा किया है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को दोबारा पूरी तरीके से हराकर सबक सिखाएगी। तो गडकरी जी, आप जानते हो कितने जल्दी जल्दी काम कराते हैं, परंतु अपने लिए एक आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो उसको समझता हो, जो जानता हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है और नेशनल हाईवे क्या होता है, वो तो समझे और समझ के उनके साथ बात करे और बात करके उनको लाने की कोशिश करे। ऐसा आपने यहाँ किया, 9000 करोड़ के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ बन चुके और 1521 करोड़ की लागत से हम लोगों ने अपने स्टेट हाईवेज बनाने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।